हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें कि चेंज ऑफ स्केल और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों का यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s e टू द पावर -1/4s, देन प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus t f 3t is equal to 1/s+1 e to the power -3/4s+1। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t गिवन है, तो हमें इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इसके इक्वल बताना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो कि इक्वल है 1/s e टू द पावर -1/4s जो कि f बार s के भी इक्वल होता है। इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इसमें हमने देखा कि e टू द पावर -t भी है और f 3t भी है, तो e जो है फर्स्ट शिफ्ट से लेके आ सकते हैं प्रॉपर्टी से, पर e टू द पावर 3t है वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से लाना पड़ेगा। तो हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी गिवन है जो कि f बार s के इक्वल है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू f a t वो इक्वल होगा 1/a f s अपॉन a के। यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f 3t को कैलकुलेट करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f 3t वो इक्वल हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे f बार s किसके इक्वल है, 1/s e की पावर -1/4s। तो s अपॉन a में चेंज करना है, जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s अपॉन a लिखना है। तो ये हो जाएगा इनटू में 1/s/3 e की पावर -1/4 into s/3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 into 3/s e की पावर -3/4s। इसे सिंप्लीफाई कर दिया और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/s e की पावर -3/4s। अब अभी तो हमने क्या निकाला है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f 3t की वैल्यू, पर हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -t f 3t की वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे हम, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at f t को कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो f बार s है वो s माइनस a में चेंज हो जाता है। तो हमें ये जो अभी कैलकुलेट करा था ये क्या था, हमारा f बार s था, तो यहाँ पे a इक्वल टू -1 है, तो हमें s माइनस -1 यानी कि s प्लस 1 करना है, जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s प्लस 1 लिखना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -t f 3t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/s+1 e की पावर -3/4s+1, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था और यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।